अरे बेटा कहाँ चले गए तुम? अरे मेरे लिए एक चाय का कप लाना और आते ही मुझे सलूट मारना। अच्छा पापा जी। पापा जल गया। अरे क्या जल गया? पापा सलूट। क्या सलूट जल गया? पापा सलूट मार रहा था, पैर जल गया। कोई बात नहीं, आप दोबारा से पोजीशन बना कर आओ और फिर से सलूट मारो। जाओ गिलास खाओ। अरे वेरी गुड वेरी गुड, आजकल तो बहुत अच्छा सलूट मारने लग गई। बैठ जाओ। और फौजी तरक्के काम से जब भी छुट्टी आवेगा जब भी सलूट मारना सिखावेगा। मेरे भोले फौजी कदे तू भी मार लिया कर सलूट। अरे मार के दिखाऊं के सलूट? मेरे भोले फौजी क्या ढूंढ रहा है? अरे यार मैं आज का अखबार कल से ढूंढ रहा हूँ। अखबार पड़ा पावा था, वो तो पड़ोसियों के बालक ले गए। अरे पड़ोसियों के बच्चे ले गए? अरे क्या कर रहे हैं पड़ोसियों के बच्चे अखबार के साथ? करे के थे सलूट मार मार देखे हैं। अच्छा फौजी साहब न्यू बताओ बॉर्डर पे के हुआ है? अरे बॉर्डर पर बहुत कुछ होता है, क्या क्या देखना है तुझे? मैं न्यू पूछू थी बॉर्डर पे जब लड़ाई छिड़ जा है तुम के करो? अरे हम मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ते हैं। मैं यूं पूछूं थी सलूट तो कौन नहीं मारते? अरे लड़ाई के वक्त सलूट नहीं मारते हम। ठीक से अपनी भी सारी हण लड़ाई रहे, आज पाछे सलूट नहीं मरवा लेगा। अरे क्यों क्या हुआ? एक तो तड़की तड़क तेरे ही सलूट ने छोरा फूंक दिया और सारी रात मैंने पढ़ने नहीं देंदा, सारी रात बेड पे सलूट मरवा है। अरे तुम सब अंडर ट्रेनिंग हो इसलिए तुम्हें दिक्कत आ रही है, जब तुम ट्रेंड हो जाओगे सलूट अपने आप लगेगा। अरे सलूट मारना तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो सही पर पड़ोसियों पर मरवा लेना। अरे क्या सलूट? अच्छा फौजी साहब आप सारे देश में घूम रहे हो, अगर आप तो कुछ पूछूं तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे दोगे? अरे दे दूंगा क्यों नहीं, लेकिन प्रश्न अनुशासन में पूछना है, अगर अनुशासनहीनता दिखाओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा। तो फिर क्या दोगे? अरे थप्पड़ दूंगा थप्पड़। पूछो क्या पूछती हो? अच्छा ये बताओ जब लड़की पहली बार सासू के जावे है तो लड़की क्यों रोवे है, लड़का क्यों नहीं रोंदा? अरे कौन कहता है लड़की रोती है? अरे लड़की तो सिर्फ एक दिन ही रोती है, बाकी की सारी उम्र तो लड़के को ही रोना पड़ता है। अच्छा फौजी साहब मनन्नू बताओ मैं आप दोरा बॉर्डर पे मिलने चली गई और मैंने उड़ा तंबू में सोना पड़ जे और उड़ा रात ने दुश्मन हमला कर दे तो तू उस लड़ाई तक कुकर निमटेगा? अरे पहली बात तो तेरे को तंबू में सोने कौन देगा, और दूसरी बात लड़ाई वाली, अरे दुश्मन तो हमला जब करेगा तब करेगा, उससे पहले तुम्हारे कारण तंबू में धारा 144 लग जाएगी। अरे तुम बहुत प्रश्न पूछ चुकी मुझसे, अब मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगा, बताओगी? ऐसी वस्तु का नाम बताओ जिसको ऐसे खींच ले और खींचने से छोटी हो जाए, बताओ बताओ। फौजी साहब कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होती जो खींचने से छोटी हो जाए, खींचने से वस्तु हमेशा बड़ी होती है। अरे मैं बताता हूँ तुम्हें, अरे मैंने उस वस्तु का नाम पूछा है जिसको हम खींच ले, अरे और खींच ले, खींचने से वो छोटी हो जाए, ऐसी वस्तु का नाम है बीड़ी। मांडगी फौजी साहब एक प्रश्न का और उत्तर दो, जब दूल्हा बरात चढ़ा करे तो दूल्हा अपनी माँ का स्तनपान क्यों करा करे? अरे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तुमने, एक बात बताओ अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर दे दूं तो मुझे क्या दोगी? देव के थी एक प्यारा सा सल्यूट दे दूंगी। अरे वेरी गुड बहुत अच्छे, आप ध्यान से सुनो इस प्रश्न का उत्तर,
जब दूल्हा बारात में चढ़ता है तो उसकी माँ उसको याद दिलाती है कि बेटा तू आज तक मेरे अंडर में रहा है, मेरा कहना माना, और अब तू अपने घर में पराई औरत को लाने लग रहा है, उसके मुंह में मुझको मत भूल जाना। वो माँ अपने बेटे को याद दिलाती है, इसलिए माँ अपने बेटे को स्तनपान करवाती है। अरे ऐसे क्यों देख रही हो मेरी तरफ? मैं सल्यूट मारने की जगह ढूंढ रही हूँ। अरे सल्यूट भी क्या जगह ढूंढ कर मारा जाता है? सल्यूट जगह देख के ही मारा जाता है। हम खा सल्यूट गलत जगह लग गया तो तू टिटाएगा। इम्मत न दे। अरे क्या सल्यूट? अरे मुझे नहीं, इन प्यारे से दर्शकों को तुम भी सल्यूट करो और मैं भी सल्यूट करता हूँ, ठीक है ना? जय हिंद।